स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे जेटेट मैथ का नेक्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन करा चुके हैं ना। देखो वो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जेटेट मैथ का, देख लीजिएगा। देखिए ये जो संख्या पद्धति पढ़ाएं वो 1 to 5 और 6 to 10 दोनों के लिए था, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि दोनों को पढ़ना है संख्या पद्धति। तो दोनों अगर आप 1 to 5 भरे हैं या 6 to 10 भरे हैं, 6 to 8 भरे हैं, कोई भी दोनों में से लेवल 1 या लेवल 2 का भरे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और इस चैनल में पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, जेटेट का पूरा कंप्लीट मैथ कराएंगे। इसलिए अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, मिस ना हो और आप एग्जाम से वंचित ना हो जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए आज शुरू कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, और घन और घनमूल। तो इसका आज बेसिक देखेंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट नहीं जानोगे तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो बेसिक कंसेप्ट आज देखेंगे, उसके बाद आज बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद कल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आएंगे। इतना खतरनाक ट्रिक लेकर आएंगे ना कि कितनों बड़ा स्क्वायर रहेगा ना, जैसे बोलते 79 का स्क्वायर, गुना नहीं करते रहना है कि 79 गुना करके लंबा सा, बस 2 सेकंड में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर पगला जाइएगा। अभी बेसिक चीज़ समझ लो पहले कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल समझते हैं, उसके बाद घन और घनमूल समझेंगे, ठीक है। तो जो 6 to 8 वाला होंगे उनको तो खैर पता होगा, कहे कि उनका मैथ बैकग्राउंड ही होगा ही, मैथ पढ़े होंगे। 1 to 5 वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत है, हाँ 1 to 5 वाले में मैथ तो कंपलसरी है। तो 1 to 5 वाले ध्यान से देखिएगा, 6 to 8 वाले तो थोड़ा सा मैथ में के जानकार होंगे। तो हम 1 to 5 को समझते हुए देखो, यहाँ पे 1 to 5 हो या 6 to 8 सभी के लिए वर्ग और वर्गमूल भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वर्ग होता क्या है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ये मालूम होगा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। वर्गमूल, वर्ग को स्क्वायर कहेंगे, वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्गमूल को स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट है ऐसा लिखा था, रूट का ऐसा लिखता है, ठीक है, कोई नंबर है उसमें ऐसा लगा देते हैं, इसी को स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्ग होता क्या है, स्क्वायर होता क्या है, देखो ध्यान से, 1 का वर्ग, वर्ग माने होता है कि जिसका भी वर्ग है, जिसका भी वर्ग लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब होता है उसी को 2 बार लिख दो, यानी कि 1 का स्क्वायर है तो 1 को 2 बार लिख दो, 1 × 1 = 1, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर कहेंगे मतलब 4 × 4 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 यानी 5×5 = 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर समझ में आया होगा, जिसका भी स्क्वायर है उसको उसी से गुणा कर देते हैं तो उससे जो प्राप्त संख्या होता है वही उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 × 1 = 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 5 का 5 × 5 = 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 = 36, ठीक है। तो ऐसा स्क्वायर कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अब आते हैं स्क्वायर रूट है क्या, तो इसी को अगर उल्टा तरफ से देखें यानी इधर से देखें तो स्क्वायर रूट का साइन ऐसा होता है, वन का स्क्वायर रूट कहने का मतलब होता है कि 1 किसका स्क्वायर करने से आता है, तो 1 का स्क्वायर करने से आता है, तो इसका आंसर हो गया इस √1 का 1, ठीक है। इसी तरह 4 का होगा, 4 किसका स्क्वायर करने से आता है, तो 2 का स्क्वायर करने से आता है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 9 का 9 √9 यानी √9 यानी वर्गमूल 9 का, तो 9 का वर्गमूल यानी किसका स्क्वायर 9 आता है, तो 3 × 3 = 9। इसी तरह 16 का वर्गमूल किसका होता है, 4 × 4 = 16, है ना। इसी तरह 64 का वर्गमूल है तो 8 × 8 = 64, ठीक है। तो वर्ग इधर से उधर, उधर से इधर आवे तो वर्गमूल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये सब जो संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 37, 39, 40, 50, 60, 64, इस तरह का जो वर्ग में आता है, जो स्क्वायर करने से आता है, वैसे नंबर को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। किसको कहते हैं, 4 हो गया 2 × 4 = 1 भी है, ठीक है, 1 है 4 है, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16,
पाँच पच पच्चीस, छः छः छत्तीस, सतीस उनचास, ये सब जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी किसी का वर्ग करने से जो संख्या आता है उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, याद रहेगा। और पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं है? तो देखो, तीन किसी का स्क्वायर करने से आता है, तीन नहीं आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ सकता है कि कौन पूर्ण वर्ग है कौन नहीं है, ठीक है। तो तीन नहीं है, चार है नहीं है, चार है पाँच नहीं है, सात नहीं है, छः भी नहीं, छः भी किसी का स्क्वायर करने से आता है का? ना, तीन का स्क्वायर करने से नौ होता है, छः नहीं है तो छः भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा संख्या जो किसी का स्क्वायर करने से आवे उसको पूर्ण वर्ग संख्या, और ऐसा संख्या जो किसी का स्क्वायर करने से नहीं आवे तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे जानेंगे, देख के अगर हमको जानना पड़े, बड़ा सा संख्या दे दिया, यहाँ तो छोटा छोटा है तो पता चल रहा है किसी का स्क्वायर करने से नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा बड़ा सा नंबर दे दिया, अब कैसे जानेंगे किसका स्क्वायर में आएगा कि नहीं आएगा, हैं? तो बड़ा सा नंबर दे दे तो उसको पहचानने का तरीका क्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, पहचानने का तरीका पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने, यहाँ लिखे पूर्ण वर्ग नहीं है उसको पहचान लेंगे, ठीक है। जो नहीं है उसको पहचान लिए तो जो है उसको तो पहचान ही जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, किसी का इकाई में दो आया नहीं आया, जिसका लास्ट में दो, दो तीन आया नहीं आया, दो तीन सात आठ, दो तीन सात आठ इकाई में, ऐसा संख्या जिसका इकाई में दो तीन सात आठ इसमें से कोई भी एक संख्या हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। दो तीन सात आठ, दो तीन सात आठ अगर किसी संख्या का इकाई में हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। मतलब जिसके भी लास्ट में दो तीन सात या आठ रहे तो उसको एकदम लिख देना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी इसके अलावे कुछ रहे ना, जैसे लास्ट में चार रहे, एक रहे, या पाँच रहे, या जीरो रहे, या फिर कुछ और रहे इसके अलावे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। गारंटी नहीं ले रहे हैं कि एकदम होबे करेगा, है ना। जैसे चौदह लिख दिए, अब इसका इकाई में तो चार है, मान इसमें से कुछ नहीं है, चार है तो थोड़ी पूर्ण वर्ग है, हैं, पूर्ण वर्ग में ना है तो गारंटी नहीं कि पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन हाँ जिसके लास्ट में दो तीन सात आठ है ना वो गारंटी है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो गारंटी है, इसीलिए इसको याद रखना, दो तीन सात आठ ऐसा जब भी इकाई में रहे तो एकदम वो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, एलसीएम और गुणनखंड और फलना ढेकना भाग दे के चेक नहीं करना है, बस देखना कि दो तीन सात आठ, दो तीन सात आठ लगातार है, दो तीन फिर सात आठ, दो तीन सात आठ, तो ये चारों में से कुछ रहा तो लिख देना पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। बाकी इसके अलावा कुछ रहे तो उसको फिर चेक करना होगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, उसके चेक करने का तरीका है गुणनखंड करके या भाग विधि से, अभी बताएंगे, दो तरह का विधि है, दोनों तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जीरो रहे तो याद रखिएगा, अगर जीरो की संख्या, शून्य की संख्या, शून्य माने जीरो, जीरो अगर दो गए लास्ट में तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, चार को जीरो रहे तो भी हो सकता है, छः को जीरो रहे तो भी हो सकता है, लेकिन अगर एक जीरो रहे तो नहीं होगा, तीन को जीरो रहे तो नहीं होगा। तो कैसे? तो देखो जैसे मान के चलो दस का स्क्वायर, तो दस का स्क्वायर सौ, दो जीरो आया ना, या सौ का स्क्वायर कर देंगे तो सौ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो जीरो पहले से तो चार को जीरो, तो देखो एक एक जीरो का स्क्वायर करें तो दो जीरो, दो का स्क्वायर करें चार जीरो, चार का स्क्वायर करेंगे आठ को हो जाएगा, है ना। इस तरह से जीरो डबल होते जाएगा, है ना। सम संख्या में अगर जीरो रहे तबे उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, और नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे तीन को जीरो रह गया, एक को जीरो रह गया, पाँच को जीरो रह गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इतना सो बात को याद रखिएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे और वर्ग कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। वर्ग निकालने का दो गो तरीका देखेंगे और फिर घन और घनमूल देख लेंगे। एकदम आज बेसिक चीज़ देख रहे हैं जो स्कूल लेवल का, बेसिक चीज़ नहीं जानिएगा तो फिर आप स्कूल में पढ़ाइएगा कैसे, अगर टीचर हो बन जाइएगा। अपना तो छोड़िए, अपना एग्जाम निकालियो लेने से पढ़ाइएगा कैसे। और आजकल ये जो सरकारी स्कूल है ना, कोनो सब्जेक्ट में आपका बहाली हो सब सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन बोलते हैं क्या बोलते हैं, वर्गमूल कैसे निकाले अब, ठीक है। स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक बाद में, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद कल से क्वेश्चन भी गनगना के इसका करेंगे, तीस को क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, है ना।
तो पहले कॉन्सेप्ट को समझे, वर्ग वर्गमूल घर घनमूल का। तो वर्गमूल निकालने का तरीका देख लेते हैं। वर्गमूल, वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना तो बस पाँच का स्क्वायर है तो पाँच गुना पाँच गुना करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्गमूल निकालने का दिक्कत है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, चलो ना 64 ले लेते हैं, ठीक है, छोटा ही से समझो। दो तरीका है बाबू वर्ग निकालने का, है ना। बाबू कह देते तो घबराइएगा नहीं, कहा स्कूल में पढ़ा पढ़ा का आदत हो गया, ठीक है, अब लोग खुद ही टीचर हैं, बाबू कह देते। देखो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, वर्गमूल निकालने का दोगो तरीका। पहला तरीका को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि पहला तरीका है। दूसरा तरीका है भाग विधि, ठीक, दूसरा है भाग विधि। दोनों विधि समझाएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे पहले सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 64, बोलेगा 64 किसका वर्ग है, तो ये तो हम जान रहे हैं 8 64 आठ का वर्ग है ना, आठ का है, लेकिन फिर भी हम मान के चलो कि नहीं जान रहे, तो कैसे निकालेंगे, तो 64 को ऐसा कर देंगे, गुणनखंड इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंड, संख्या पद्धति पढ़ाएं तो उसमें बताएं थे अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या ऐसा संख्या कहते हैं, सिंपल साधारण भाषा में याद रखें तो, जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, ठीक है। जैसे दो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, दो है ना, कोई दूसरे पहाड़ा में दो नहीं आता है, तो अभाज्य संख्या से ही इसको काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, भाज्य संख्या से नहीं देना है, ठीक है। तो दो से कर सकते हैं, दो तीन छः, दो दूनी चार, ठीक है, चार से भी कटेगा, लेकिन चार से डायरेक्ट नहीं कर सकते, गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य संख्या से करना है। दो एक दो एक गया तो देखो 12 हो जाएगा, दो का दो हुआ नहीं आया तो तीन था, तो एक चल गया 12 हुआ, दो छक 12, फिर देखो 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4। अब देखो ये 64 में रूट अंडर रहेगा, वर्गमूल निकालना है तो रूट अंडर। अब देखो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, इसका गुणनखंड कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3, 3 × 2 = 6 आया। अब देखो वर्गमूल ऐसा है, रूट, रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दुगो है ना, दो दो दुगो है तो बाहर, ये वाला भी दुगो है बाहर, ये वाला भी दुगो है बाहर, मतलब 2 × 2 = 4 × 2 = 8 आंसर। अगर कोई सिंगल रहता, कोई सिंगल रहता जिसका कोई जोड़ा ना मिले, जैसे इसमें आगे बढ़ के वो 3 रह जाता, तो ये जो 3 था वो रूठे में रह जाता, ठीक है, तो हो जाता 8√3, क्या हो जाता 8√3, लेकिन कब, जब सिंगल रहे, तो जो सिंगल रहे वो रूट से बाहर नहीं होता है। कौन रूट से बाहर होता है, जो डबल डबल सब रहे तब, ठीक है। अरे वो सिंगल बन जाता है, इसका मतलब कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है, सबका जोड़ा मिल गया तो कहेंगे पूर्ण वर्ग है, और कितना है तो सबका जोड़ा में से एक अक्ठो लिखेंगे, ठीक है, ये एक जोड़ा है एगो लिखेंगे, एक जोड़ा एगो, एक जोड़ा का एगो, तो ये 2 × 4 × 8 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना तो समझ आएगा कि वर्ग कैसे निकलेगा, है ना, वर्गमूल। लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए ये तो आना चाहिए, और ये है भाग गुणनखंड, तो ये थोड़ा बहुत अगर आपको आता होगा तब एक काम चलेगा, और नहीं तो अगर इसको खाली पढ़ाने लगे तो ये एक अलग चैप्टर बन जाएगा, कहीं और पहुंच जाएंगे, इसलिए अभी हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। हम सिखा रहे हैं क्या, वर्ग और मर्ग, वर्गमूल, है ना। तो देखो मैथ को नहीं समझने का एक ये भी वजह होता है कि पढ़ रहे हैं कुछ और कोनो उसमें आ गया तो उसमें फंस गया, ले ओकरा फिर अब उसमें जा चलिए, अब उसमें अभी चल जाएंगे तो नहीं छूट जाएगा, तो इसीलिए मैथ कनेक्टेड रहता है सबसे, है ना। इसमें क्या किए, कुछ नहीं किए, भाग दिए हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का भाग होता है, ठीक है। तो जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होता होगा, लेकिन ये भाग है, अगर इसमें दिक्कत होता होगा तो मेरा चैनल में जाइएगा, एक बेसिक फंडामेंटल मैथ करके ये सब चीज़ बढ़िया से सिखाए, ठीक है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, एक हम यहीं पे यूट्यूब में ही कोर्स लाने वाले हैं, जो एकदम मैथ को नहीं समझते हैं ना, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं एक टीचर है तो हर टाइप के स्टूडेंट से कैंडिडेट से मिलना होता है, तो बहुत सारे ऐसे है, खासकर के आर्ट्स वाले, क्योंकि मैट्रिक लिखते हैं उसके बाद आर्ट्स वालों को तो मैथ से रिश्ते ख़त्म हो जाता है, तो उन लोग का कहना होता है कि देखो सब एग्ज़ाम ठीक है, सब तैयारी ठीक कर लेते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर जो भी है सब ठीक है, सब कर लेते हैं, पूरा दुनिया का जीके याद है, अगर फिजिकल वाला चीज़ है तो फिजिकल दौड़ के निकाल लेते हैं, है ना, लॉन्ग जंप कर लेते हैं, हाई जंप कर लेते, सब कर लेते हैं, लेकिन आते हैं मैथवा में फंस जाते हैं यहीं पर, यही चक्कर में कितने का एज ख़त्म हो गया, ये जो मैथ है ना बहुतों का ज़िंदगी बर्बाद किया है, ठीक है। मेरा घर का ही कितने लोग हैं, आसपास के ही कितने लोग हैं, मेरे रिलेशन में ही कितने लोग हैं, दोस्त यार में ही कितने लोग हैं जिनका ज़िंदगी बर्बाद किया है मैथ, उन लोग का सब कुछ ठीक होता है ना,
कितनों साल से फिजिकल कर निकालते आ रहे हैं, आर्मी का, पुलिस का, सब किसी का, लेकिन एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि जीके जी सबको रट ले रहे हैं, उसमें भी ठीक, लेकिन मैथवा में लाइफ चौपट है ना। तो ये मैथ बहुत ख़तरनाक चीज़ है। SST जीके कोई भी चीज़ है, आप उसमें रटना है, आँख बंद करके रटते रहो, रटते रहो, कभी ना कभी याद हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा। और वो सब कहानी है, कहानी समझोगे कि हाँ मुगल आया था, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया था, किससे लड़ा था, कहाँ हुआ था, पानीपत का युद्ध किसका युद्ध कहाँ हुआ था, ये कहानी जैसा है। इसलिए चीज़ों को जैसे जैसे एकदम सिलसिलेवार तरीके से एकदम बढ़िया से पढ़ो, याद हो जाता है, ठीक है। और हल्का फुल्का लास्ट में डेट उठ को रट लो, याद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या करेगा, अब इसको कोई याद करेगा कि 64 रहेगा तो 2 2 2 2 लिखेंगे, यानी 32 16 8 4 2 लिखेंगे, 32 16 होगा, 64 देवे नहीं करेगा, लिख देगा यहाँ 49, अब ऐसा 2 2 2 लिख दीजिएगा तो हुआ खत्म कहानी, ठीक है। तो इसको रटने का कोई उपाय ही नहीं है। तो इसीलिए जो मैथ में एकदम बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन सीरियस है, सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर चाहत है सीखने की, कुछ नहीं जानते हैं, चलो गलती हुआ, स्कूल लाइफ वैसे ये हो गया, मतलब उस समय नहीं सही से ध्यान दे पाए, स्कूल लाइफ चौपट कर लिए, फिर आर्ट्स लेके पढ़े तो मैथ से रिश्ते ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी गलती हुआ बचपन में या अभी कभी भी, जिसके कारण मैथ नहीं समझ पाए, और उसका अगर खामियाजा आप भुगत रहे हैं, बहुत सारा एग्ज़ाम आप भर रहे हैं, फॉर्म सब ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मैथ आपको रोक ले रहा है, तो इसका मतलब है कि मैथ का जो है बेसिक, यानी कि हम नींव कहते हैं उसको, नींव मजबूत करना होगा, है ना। नींव इधर से होता है कि उधर से होता है उससे मतलब नहीं रखिए, मैथ से मतलब रखिए, ठीक है। बेसिक मजबूत करना होगा, नींव मजबूत करना होगा, नींव मजबूत नहीं होगा, आप इस सब चीज़ को एकदम समझ में आ जाना चाहिए। ये मैथ में चार चीज़ होता है, हम बार बार बोलते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये चार चीज़ होता है। देखिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये वाला क्या है, ये भी एक तरह का भाग है, गुणा है, ठीक है। भाग और गुणा भी एक ही होता है लगभग, भाग में भी पहाड़ पड़ते, गुणा में भी पहाड़े पड़ते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग होता है। 2 दुनी 4, 4 दुनिया 16 दुनी 32 या 2 गुना 16 32 है, ये उल्टा पलटा वही भाग गुणा है। तो भाग गुणा एक ही चीज़ लगभग है, जोड़ घटाओ, तो यस चार चीज़ है। जैसे इसमें कहिएगा कि चार गो चीज़ें थी, क्या क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या किए, गुने ना किए हैं, यहाँ गुने ना किए हैं, हैं, यहाँ भी गुने ना किए, गुना किए, चैप्टर वर्क भले नाम है वर्ग और वर्गमूल, लेकिन क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो देखो मैथ में ना चार गो चीज़ होता है और कुछ नहीं होता है, जोड़ घटा गुना भाग, खास करके 10th तक में, और जो भी जनरल कंपटीशन सब निकालना है उसके लिए खास करके मैथ में चार गो चीज़ें। हाँ एकदम हाईएस्ट लेवल का साइंटिस्ट बनने के लिए जाइएगा तो उसमें तो और खतरनाक खतरनाक है ना। तो साइंटिस्ट बनने जाना है ना, इंजीनियर बनने जाना नहीं, और जो इंजीनियर बनने जाना है उसको यहाँ वहाँ पे थोड़ी होगा, वो तो सब जानता है मैथ क्या होता है ये सब, है ना। तो उसके लिए हम मैथ नहीं, एकदम जो नहीं जानता उसके लिए बता रहे हैं कि एकदम नहीं जान रहे, लेकिन आपके अंदर चाहत है सीखने का, लेकिन आप लाजेस्ट झे कहूँ जान नहीं रहे हैं ना। अब कहीं पर कोई जाके हमसे बड़े बड़े एज, हमसे ज़्यादा उम्र के भी होंगे, है ना, अब हम हैं अभी कोनो नहीं जानेंगे जोड़ घटा, तो कहाँ जाएंगे पढ़ने भाई कि हमको जोड़ घटा से सिखाओ, हमको कुछ होने आता है, लाजो तो लगता है, हैं, कहीं तो कोई किसी के पास जा नहीं सकते, वैसा होता है, वही चलते आदमी बर्बाद हो जाए, या अगर कहीं जाना भी चाहे तो कोई आसपास रहेगा नहीं, वैसा कोई रहता नहीं पढ़ाने वाला जिसके पास जाए, है ना, या अकेले जाएंगे भी तो वैसे थोड़ी लगेगा कि हाँ किसी दोस्त को, जैसे मेरे पास ही मेरे दोस्त लोग हैं तो बोलता है हमको सिखाना, बोलते आओ, लेकिन एक इंटरेस्ट थोड़ी लगता, अगर एक दिन किसी तरह आई होगी या तो दूसरा दिन से नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब वैसा सुविधा नहीं मिल रहा, चाहत है अगर सीखने का और कोई सिखा नहीं रहा है, या आप नहीं जा पा रहे उसके पास, ऑफलाइन में तो भाई शर्म भी लगता है कि अभी जाए पढ़ने, अभी उम्र है पढ़ने का। तो वैसे सिचुएशन में हम एक चीज़ आपके लिए लाना चाहते हैं, ला रहे हैं, वो है बेसिक मैथ का एक क्लास, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 वीडियो रहेगा, 30 क्लास लेंगे, 30 क्लास 30 दिन का, या उससे ज़्यादा दिन भी लग सके, जितना लग जाए, लेकिन एकदम बता दे रहे हैं ये 30 क्लास जो कर लेगा 30 दिन का, 1 महीना का, वो चार चीज़ें बोले ना, मैथ में चार चीज़ होता है, वो चारों को एकदम मजबूत कर देंगे, वो चार में खाली ऐसा नहीं सोचिएगा कि ऐसा वाला जोड़ सिखा देंगे, ऐसा वाला
फिर ऐसा वाला ही घटा ऐसा वाला गुना और ऐसा वाला भाग सिखा देंगे ऐसा वाला भेज देंगे ना है ना जोड़ घटा गुना भाग कह रहे हैं। इसका मतलब बस आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि चार चीज़ होता है इसको मजबूत करना है, लेकिन इसका अलग अलग हिस्सा में अलग अलग तरह का काम होता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा बता दें तो देखो ये क्या क्या आपको हम दे सकते हैं, बेसिक में होना क्या क्या चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए। देखो सबसे पहले तो संख्या जानना चाहिए, संख्या का प्रकार जानना चाहिए, ठीक है, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, पहला चैप्टर हुआ। दूसरा ये जो बताएं कि जोड़ घटा गुना भाग, ये जो बेसिक वाला एकदम जोड़ घटा गुना भाग है ये आना चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग ये एक समझो बच्चा वाला खेल है, पहाड़ा वाला याद करके उसको जोड़ घटा कैसे हासिल उसिल करते वो एकदम बच्चा वाला खेल है, वो आना चाहिए। उसके बाद आपको जैसे ये एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ है ना, एक हो गया एलसीएम एचसीएफ, तीन चैप्टर हुआ। उसके बाद वर्ग वर्गमूल, ये भी एक चैप्टर, ये बेसिक में ही आता है। घन घनमूल पाँच हो गया। उसके बाद प्रतिशत निकालना, उसका हल्का फुल्का है ना, बहुत हाई लेवल का नहीं जाएंगे, मतलब सब चैप्टर को छुएंगे, जो भी जनरल कंपटीशन के लिए है सब चैप्टर को छुएंगे, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल प्रतिशत निकालना। फिर अलजेब्रा में एक्स वाई जेड आ जाता है तो उसमें और माथा खराब हो जाता है, तो कैसे एक्स एक्स को जोड़ देते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे किसी को एक्स मान लेते हैं है ना, कैसे उसको भाग देते हैं, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माने द्विघात समीकरण बन जाता है, बहुपद कैसे उसका निकालते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं। तो सब चैप्टर को छुएंगे थोड़ा थोड़ा, हाईएस्ट लेवल करने जाएंगे, सब चैप्टर का बेसिक समझाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत सारा चैप्टर होगा इसमें, लगभग 15 चैप्टर होगा है ना, एक छोटा छोटा चैप्टर जो कि हर कंपटीशन में पढ़ना होता है। तो उसका हम बेसिक एकदम एडवांस लेवल तक नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर तो वही हो जाएगा कि कोनो बुझाइए नहीं रहा है, तो फिर का फ़ायदा। हम बस आपका चाह रहे हैं कि ये जो न्यू है ना, न्यू ओकरा में दो चार गो पत्थर डाल दे, मैंने न्यू को मजबूत कर दे, न्यू मजबूत हो जाएगा ना, उसके बाद फिर बड़का बड़का मास्टर सब बड़का बड़का किताब सब खोल के ऐसा करके पलटिएगा ना, कहेगा अरे यही क्वेश्चन है, ऐसा हो जाएगा है ना, समझ में आने लगेगा है ना, कोई भी पढ़ाएगा समझ में आएगा। अब समझ ही ना आएगा, हम यहाँ कर देंगे एलसीएम, ताकते रहिएगा ये क्या होता है एलसीएम है। फिर आगे चैप्टर पढ़ना प्रतिशत, अब प्रतिशत वो हम निकालेंगे तो कहेंगे प्रतिशत रहे तो नीचे से भाग दो तो ऊपर से गुणा कर दो, तो जानिएगा वो सब गुना तब ना। अब वहाँ पर हर चैप्टर में तो हम बेसिक जोड़ घटा गुना भाग को सिखाने नहीं लगेंगे, या इससे पहले संख्या पद्धति भले पढ़े थे लेकिन उसमें एक से सब आ रहा था, एक को एक से जोड़ भी रहे थे, गुना भी कर रहे थे, घटा भी रहे थे ना। अब हर चैप्टर में सब चीज़ आएगा, पूरा बेसिक जो मैथ होता है वो हर चैप्टर में यूज होगा। अब हर चैप्टर में कोई घुस के बेसिक नहीं ना पढ़ाने लगेगा, तो बहुत कोई कहता है कि नहीं कहाँ से आया एक्स, उसको अध्ययन किए कैसे एक्स को जोड़ दिए कैसे घटा दिए, तो ये सब बेसिक मैथ का पार्ट है। तो बेसिक मैथ अगर आपको सीखना चाहते हैं, उस मैथ को सीखने के बाद आपको क्या करेंगे, एक वीडियो दे देंगे, कोई एप्लीकेशन अभी नहीं है मेरे पास, हम यूट्यूब में ही वीडियो डालेंगे, आपको वीडियो दे देंगे, एक प्राइवेट ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो आपके पास जाएगा, आपको हम बजाते हैं वहाँ पे लिखने बोलेंगे, कॉपी एक ले लीजिए, कॉपी में लिखिए जो जो हम बताएं उसको, फोटो खींच के हमको भेजिए, ऐसा नहीं कि मन झूठ होकर देखें फिर एक महीने बाद कहेंगे ना कोनो ना सीखे, तो लिखना होगा मेहनत करना होगा, कम से कम दो तीन घंटा दो घंटा टाइम देना होगा है ना, आधा घंटा का हम वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं 20 मिनट या आधा घंटा का रहेगा, आप उसको देखो लिखो। उसके बाद क्या करेंगे, जो चीज़ बताएं जैसे वर्ग ऐसा पढ़ा है ना ये अभाज्य गुणन करना, तो इसका हम 5 गो 10 गो क्वेश्चन दे देंगे, और क्वेश्चनों को फिर बनवा के हम फोटो खींच के मांगेंगे कि बना के फोटो खींच के भेजिए। तो जिसके पास 2 घंटा कम से कम रोज़ दे सकते हैं, अगर 2 घंटा दे सकते हैं और जैसा बोले बात को मान सकते हैं, तो समझिए आप मैं सीख गए 1 महीना में, 1 महीना में पूरा मैथ सिखा देंगे। जो नहीं सीख पाएगा 1 महीना में तो 2 महीना 1.5 महीना 2 महीने जितना लगा, लेकिन मैथ एकदम हम सिखा के रहेंगे, खाली जैसे जैसे बोलेंगे वैसे कर कुछ करना नहीं, कोनो पहाड़ तोड़ने थोड़ी बोलेंगे, बस वीडियो देंगे उसको देखना है, उसको लिखना है कॉपी में, और क्वेश्चन देंगे उसी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन को करना है, ठीक है, इतने काम का है, और फोटो खींच के थोड़ा सा भेज देना है। हम अगर इतना बड़ा वीडियो बना के भेज सकते हैं तो फोटो खींच के भेजने में क्या है, तो इतना करिए, गारंटी के साथ कहते हैं मैथ समझने लगेगा, मैथ समझ में आने लगेगा तो हर एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, और आपको अगर मैथ आपके रास्ते का रुकावट बन रहा है तो वो रुकावट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होगा, अगर हम इतना स्पेशल आप में फोकस करेंगे, क्या यूट्यूब में तो वीडियो डाल डाल के थक जा रहे हैं, लेकिन वैसा ऐसे फ्री में डाल रहता तो कोई उतना थोड़ी वैल्यू देता, एक देखता है दो देखता है तीन देखता है तो कौन देखेगा, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा रकम लें, बहुत ज़्यादा ना है, वैसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा, मात्र 100 में मैथ सीखें, इतना सस्ता, अभी होटल में कोई जाएगा ये वीडियो देख के अरे 100 का 200 को खा गया जाएगा है ना, 100 अगर आप हमको दीजिएगा
एक महीना में आपको मैथ सिखाएंगे। ये सब ले रहे हैं, खाली फोकस करिएगा इसलिए, ध्यान दीजिएगा इसलिए, है ना। नहीं तो 100 रुपया में बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आप सीरियस है तो। और अगर नहीं तो जब भैया हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन सीरियस अगर हो तो 100 में आपको मैथ सिखाने का हम गारंटी लेंगे। हाँ, लेकिन जैसा कहेंगे वैसा करते रहना है, ठीक है। एकदम दिमाग भोथड़ होगा, गोबरे घुसा होगा, तभी नहीं सीखूंगा। नहीं तो हमारा पढ़ावल में एकदम बोका से बोका आदमी सीख गया है, तो आप लोग भी सीख ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मैथ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। खाली इतना खर्चा करके देख लीजिए, ज़िंदगी में बहुत खर्चा कर दिए होंगे, इतना सा दीजिए खाली थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, है ना। और इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, है ना। एक नंबर है, हम नंबर दे दे रहे हैं 8207861712 8208617812। इस नंबर में कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप करना है, ठीक है। फ़ोन करके परेशान नहीं करना ज़्यादा, है ना, फ़ोन करके परेशान ज़्यादा नहीं, क्या कि सबका फ़ोन, कितना का फ़ोन उठा सकते। स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, वीडियो करना, ये सब करना, बहुत बिजी शेड्यूल है, है ना। भले पैसा नहीं कमाए हैं लेकिन बिजी रखे हैं खुद को, ठीक है। पैसा बहुत नहीं कमाए हैं, अभी तो यही शुरुआत है। तो फ़ोन करके अगर ज़्यादा परेशान करिएगा तो दिक्कत हो सकता है। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। हाँ, किसी को एकदम अर्जेंट कुछ समझना है इसके रिलेटेड तो आप बोलिएगा कि बात कर सकते हैं, तो हम टाइम निकाल कर आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर है, अगर इसमें आप बात कीजिएगा, जैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैसेज आया, 100 देने के लिए अगर सब तैयार होंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम नहीं, हम बस आपसे मशवरा चाह रहे हैं, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा तो हम ये चीज़ शुरू कर देंगे, ठीक है। खैर, हम आज कुछ और पढ़ाने आए थे, सोचे थे इसका अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन चलो इसमें बात हो गया बहुत। तो खैर, जिसको भी अगर ज़रूरत है इस चीज़ का बता दे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर 100 स्टूडेंट हो जाते हैं, 100 स्टूडेंट ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 हो जाते हैं, तो हम उसके लिए कल से ही हम उसका जो भी PDF नोट जो भी कुछ है क्वेश्चन वोश्चन बनाना शुरू कर देते हैं, और कल से वीडियो बनाना भी शुरू कर देते हैं, और आपको जोड़ना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब लेकिन कम से कम 100 बच्चा जुड़िए, है ना, 100 बच्चा कम से कम 100 स्टूडेंट होना चाहिए। अब 1-2 को कितना है ना, तो कम से कम आइए, है ना। और 1-2 को भी आइएगा तो क्या करेंगे, लास्ट में अगर पैसा दे दीजिएगा तो वापस कर देंगे, लेकिन कम से कम 100 आइए, है ना, 100 नहीं तो 50 आइए, तभी हम शुरू कर देंगे, है ना, शुरू कर देंगे। हम वीडियो YouTube में ही डालेंगे ना, एप्लीकेशन नहीं सोचिएगा कहीं, वीडियो में ही डालेंगे, YouTube में ही डालेंगे, प्राइवेट किया हो रहेगा, ग्रुप में भेजेंगे आपको, एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो, आप उसको लिखना है, फिर उसका होमवर्क देंगे, क्वेश्चन उसको करके देखना। कहीं नहीं समझ में आया तो मैसेज में बताना है कि हाँ ये वाला जो है इसका दूसरा नंबर नहीं समझे, तीसरा नंबर नहीं समझे, या वर्ग कैसे निकाले ये नहीं समझे, या यहाँ गुना कैसे कर दिए ये नहीं समझे, कोई भी चीज़ बताइएगा, उसको फिर से हम समझा देंगे, ठीक है। तो इतना आपके लिए हम मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करना, हमसे ज़्यादा होगा तब सीखिएगा, ठीक है। ऐसे खाली देख के सूत जाइएगा, सूत के देखिएगा ये करके, तो नहीं होगा। आपको एकदम बढ़िया से बैठ के कॉपी किताब लेके बैठ देखना होगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं, कॉन्टैक्ट आप करिए अगर आप सीखना चाहते हो तो, नहीं सीखना चाहते हैं तो नंबर हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये वर्ग में निकालने का एक तरीका काबिल है, गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका होता है भाग विधि। क्या होता है बाबू? भाग विधि। दूसरा तरीका है भाग विधि, डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड में थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, जैसे डिवीजन मेथड, जैसे 196 है, ठीक है। चलो दोनों तरीके एक बार बता दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड मेथड भी इसका बता दे रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर मेथड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड तो 196। अब देखिए ये कितना से कटेगा, उसको काटते जाना है, ठीक है। तो ऐसा संख्या जिसका इकाई में सम संख्या हो, सम विषम संख्या समझाए थे पहला वीडियो में, सम संख्या यानी 2 का पहाड़ा में जो आने वाला संख्या है, तो वैसे संख्या अगर इकाई में सम रहा तो समझो वो 2 से कट जाएगा, तो 2 से ही कट जाएगा, इकाई में सम है, 2 9 18 होगा, 19 है, तो 1 आगे बढ़ जाता है तो 16 हो जाता है, तो 2 8 16, फिर ये 2 4 8 होगा, 1 जाके 18 हो जाएगा, 2 9 18, फिर यहाँ 49 हो गया, तो 49 कैसे आएगा, तो 37 49, तो देखो ये रूट में रहेगा। अब इसमें क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, देखो बोले तो 2 आएगा,
एक एक नंबर दो बार आवे तो रूट से बाहर, ये दो बार आया रूट से बाहर, यानी सात दुनी 14 हो जाएगा आंसर, यानी 14 का स्क्वायर करने से 196 आएगा। ठीक है, अब इसी का तरीका देखो भाग विधि, इसको बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से निकालते हैं, भाग विधि से निकालने के लिए 196 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 196 यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इधर से जोड़ा लगाते हैं, इधर से एक जोड़ा मान दो को एक जोड़ा कहते थे तो एक जोड़ा बन गया, और ये एक जो है अकेला रह गया, तो इधर एक जोड़ा बना, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ऐसे बनाते जाते। ठीक है, और इधर से काम शुरू करते तो इधर क्या वन है, अगर वन के साथ कुछ रहता तो ये दोनों 21 पर काम करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वन है तो वन पर काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे भैया, तो काम ये करेंगे कि देखेंगे कि ये जो वन है ये वाला, ये किसका स्क्वायर करने से आता है, किसका स्क्वायर करने से आता है, तो दो का स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी चार हो जाता है, तो वन का स्क्वायर करना होगा, तो वन का स्क्वायर करना है तो वन 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 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वन का स्क्वायर करने से वन आता है, अगर वन नहीं आता तो वन से कम लाते हैं, जैसे कहीं पे तीन रहेगा तो तीन तो किसी का स्क्वायर करने से नहीं ना आता है, तो तीन कहाँ से लाएंगे, तो उससे कम लाएंगे, तो दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आता है, तो चार तो ज़्यादा है, तो चार नहीं कम यानी एक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक है तो एक का स्क्वायर करने से आ गया एक, तो एक लिख दिए एक एक। अब कहाँ कहाँ लिखना है ध्यान से, एक दो तीन जगह एक को लिखना है। ठीक है, एक दो तीन जगह, अरे यहाँ गुना करके एक एक का एक, तो यहाँ भी, उसके बाद यहाँ घटाते हैं इधर जोड़ते हैं, ध्यान से देखेंगे एक में एक जोड़ो तो दो होगा, लेकिन यहाँ जगह छोड़ के, यहाँ जगह छोड़ना है, यहाँ पे जगह छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ लिखना होगा, क्या लिखना होगा अभी देखेंगे। फिर एक में एक घटा दो जीरो, जीरो मतलब खत्म, और इधर दोनों को एक के बार उतारना है, एक के बार उतारना, जैसे भाग देते थे ऐसा, भाग है ऐसा, तो कुछ ऐसा कट वट गया, फिर यहाँ से सात है तो सात को एक ठो उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे दो को एक के बार, इसलिए जोड़ा लगाना है उधर से। ठीक है, तो 96 एक के बार उतरेगा, इधर जीरो को कोई मतलब नहीं लिखना, इसको कट कूट कर दो, 96 रह गया। अब देखो ये जो गाल खाली जगह छोड़वाए हैं, इसमें क्या करते हैं, कुछ भरते हैं, क्या भरेंगे, तो कोनो संख्या भरेंगे, कोनो नंबर भरेंगे, तो कुछ हुए नंबर भरेंगे, और जो नंबर को भरेंगे ना उसी से, जैसे अगर दो भरेंगे तो दो ही से इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो दो भरेंगे तो दो ही से गुना करेंगे, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, हमको 96 लाना है, तो 96 तो नहीं आया, तो भैया ना इकरा भरेंगे दो को ना, तीन भर के देखते हैं, तीन तो तीन तिया नौ, देखो तीन भरेंगे तो तीन से गुना होगा, 23 बन जाएगा, तीन तिया नौ, तीन दूनी छः, छः नौ आ गया, और हमको लाना नौ छः है, उल्टा हो गया है, छः नौ आ गया, नौ छः लाना है, मतलब तीन से ना काम चली हो, तो चलो यहाँ पे भर देते हैं चार, चार चार भर के देखते गुणा कर, चार चौके 16, चार दुनिया 8 है, देखो 9 छः आ गया, तो ये चार चार आए, तीन जगह लिखा था, देखो यहाँ एक 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 वहाँ भी लिखे थे, यहाँ चार चार भरे तो चार चार, यहाँ भी चार, अरे ये कितना आ गया गुणा करने से, ये गुणा होता है ना, तो 96 तो लिख देंगे, 96 इधर माइनस तो खत्म कहानी, फिर इधर जोड़ते हैं ना, ये तो गुना उसको लाने के लिए कर रहे थे, इसको रफ में गुना करना। ठीक है, फिर यहाँ जोड़ेंगे, जैसे इधर जोड़े थे तो 24 और 4 28 हो जाएगा, फिर यहाँ जगह छोड़ेंगे, लेकिन आगे अब काम नहीं होगा। ठीक है, आगे काम नहीं होगा क्योंकि इधर तो है ही नहीं, इधर और कोनो कोनो रहता है, यहाँ उतारते फिर आगे काम करते, लेकिन कोनो है ही नहीं है, मतलब यहाँ जो आता है वो आंसर होता है। देखो 14 आया, उसमें भी 14 आया था, 14 हो गया आंसर, 14 हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, 552 25, 552 25, इतना बड़का क्वेश्चन अगर रहे रूट में, इतना बड़का क्वेश्चन, दोनों तरीका से इसको भी बताएंगे। ठीक है, पहले भाग विधि सीखिए, क्या भाग विधि, तो भाग विधि यहीं पे कर देते हैं इधर, हाँ वो 5 5 2 2 5 हैं, देखो ध्यान से जोड़ा लगाना, उधर से इधर 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 से जोड़ा, इकाई तरफ से एक जोड़ा दो जोड़ा, बच गया 5 अकेला। ठीक है, तो उधर राइट साइड से काम करना है, तो 5 अकेला बच गया, काम यहीं से करेंगे, तो 5 देखो किसका स्क्वायर करने से आता है, किसका स्क्वायर करने से 5 आवे या उससे कम आवे, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, मतलब तीन में बेसी आ जा रहा है ज़्यादा, तो क्या करेंगे दो का स्क्वायर, किसका दो का स्क्वायर, तो यहाँ बोले हैं दो लिखने, यहाँ बोले हैं, यहाँ बोले हैं, और दो का स्क्वायर दो दुनी 4 को यहाँ, यहाँ घटाने का और इधर जोड़ने का। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, दो और दो हो गया 4, इधर लिखना है यहाँ जगह छोड़ने का, 5 में 4 घटाने का, एक बचने का यहाँ। ठीक है, एक बच गया, अब एक के बार दो को उतारते हैं, एक के बार एक जोड़ा को, तो एक जोड़ा 52 है, तो 52 को उतार देंगे, फिर यहाँ 4 के बगल में का भरेंगे,
तो उसी से गुणा, जितना भरेंगे उसी से गुणा करके 152 लाएंगे, या 152 नहीं आवे तो उससे कम लाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, तब ना घटाएंगे। ठीक, तो चलो इधर हम देखते हैं, चार और बगल में भरना है तो दो अगर भर देते तो क्या होता देखते हैं, दो दूनी चार, दो भरेंगे तो दो ही से गुणा होगा, चार दूनी आठ 84 होगा, हमको 52 लाना है, 152 तो चलो छोटा लग रहा है, तीन भर के देखते हैं, तीन नौ, 3 चौके 12, 129 आया, ठीक रहेगा, नहीं थोड़ा सा और छोटा लग रहा है, चार भर के देखते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 12 हो गया, देखो चार भरे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 176 हो गया, हमको 152 ही लाना है, मतलब तीन वाला ठीक है, ठीक है, तीन भरे तो 129 आया, ठीक है, इसे छोटा लाना है, तो तीन भरे तो यहाँ तीन भर, यहाँ तीन भर, यहाँ तीन भर, आया कितना 129, यहाँ घटाओ यहाँ जोड़, यहाँ घटाओ 12 में 9 3, 4 में 2 कितना 2, इधर जोड़ 3 3 6 4, यहाँ जगह छोड़ के, ठीक, अब फिर एक बार दो को उतार देना 25, अब फिर 46 के बगल में भरना है और गुना उना करके इतना लाना है, चलो 46 के बगल में भरते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, 46 के बगल में अगर हम 5 है ना तो 25 5 25 5 भर के देखते हैं, काम हो जाएगा, ताकि 5 5 25 होता है 2 बजा, 5 6 30 और 2 32, 3 बजा, 5 4 20 और 3 23, देखो 23 25 आ गया, 5 भरने से यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो 23 25, ख़त्म कहानी, घट गया, और कुछ रहता था यहाँ उतारते फिर इसको जोड़ते, लेकिन है ये नहीं है, तो आंसर 235, क्लियर है, यह है भाग विधि, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड विधि तो सिंपल, गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है, गुणनखंड, जैसे इसको कर देते हैं तो 5 5 2 2 5 है, तो 5 से 5 का 5 5 का 5, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी ध्यान देना होगा थोड़ा सा, यहाँ को बहुत कोई 5 5 20 कर देगा, हो जाएगा गलत, देखो यहाँ पे जब भी बीच में दो अंक लेंगे, 20 माने 22 दोनों अंक लेना पड़ रहा है, दो अंक जब भी लेंगे एकक अंक करना है, मतलब बीच में एक एक अंक, दो को देखना है, 5 के बाद हम दो आना तो दो नहीं आएगा, दो से कम लाना रहता है तो 2 0 5 0 0 करेंगे, तब ये 2 यहाँ जाकर 22 होगा, तो 5 4 20 होगा, फिर 2 को यहाँ गया तो 5 5 25, फिर यहाँ 5 से 5 2 10, 1 गया तो 5 2 10, फिर से फिर ये देखो फिर से यहाँ छोटा रह गया 4 खाली, तो 5 0 0 होगा, तब 5 9 45, फिर अब तो 5 से 9 होगा, अब कितना सौ गए बाबा भाई, कितना है 235, 5 का 5 0 5 4 20 5 5 25, 5 2 10 5 2 10, 5 0 0 5 45, बड़ा समस्या हो गया, चलो ठीक है, 5 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 21 22 7 का 7 8 9 10 7 से भी नहीं होगा, हमको लगता है 13 से हो जाएगा सीधे, 13 का 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 3 6 9 90 हुआ, 13 7 13 6 78 79 80, 12 बजिए 29, नहीं हो रहा, ठीक है, 30 में देखो फंस गए, कोई दूसरा पहाड़ा सो का बड़ा नंबर से, ठीक है, तो इसलिए ऐसा वाला बड़ा दिक्कत होता है, ये कहीं ना कहीं फंसा देता है, ठीक है, इसलिए ये तरीका सबसे आसान है, इसमें आसानी से हो जाता है, ठीक है, उसमें फंसा दिया कहीं ना कहीं तो फंसा देता है, हो सके 13 का पहाड़ा नहीं आवे, 17 में आवे, 18 में, तो बहुत लंबा हो जाता है कहानी उसका पहाड़ा वाला बड़ा क्वेश्चन में, इसलिए ये तरीका याद रखना है, ठीक है, ठीक है, वर्ग वर्गमूल हुआ, आते हैं थोड़ा सा घन घनमूल में, देखो घन समझ लो थोड़ा सा, घन घनमूल थोड़ा सा, वही घन को क्यूब कहेंगे, क्यूब ये हो जाएगा क्यूब रूट, कल से क्वेश्चन देखेंगे, एक वीडियो छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें ट्रिक देखेंगे और क्वेश्चन, घन घन मतलब होता है 1 का पावर 3, 1 का पावर 3, 2 इस पावर रहे तो स्क्वायर, 3 रहे तो घन, तो 1 का पावर 3 माने 1 गुना 1 गुना 1, जितना पावर रहे उतना ही बार उसको लिख देते थे, 1 गुना 1 गुना 1 एक होगा, 2 का पावर 3 मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 हो जाएगा, 3 का पावर 3 मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27 हो जाएगा, 4 का पावर 4 का मतलब होता है 4 गुणा 4, 4 का पावर 3 है ना, गुना 4 4 16 64 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 बार रहे तो उसको क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं, और 3 बार पावर है मतलब 3 बार लिखना है, 4 पावर रहे तो 4 बार उसी को लिखना है, 5 पावर रहे तो 5 बार लिखना है, ठीक है, गुणा कर देना है, अब घनमूल का है तो इसी का उल्टा है ना, जैसे 8 का घनमूल, घनमूल कैसा लिखता है, 8 का घनमूल कितना, मैंने 8 किसका घन करने से आता है, तो 2 का घन, 2 2 4 2 8, 27 किसका घन करने से आता है, तो 3 3 9 27, 3 में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो किसी का घन घनमूल निकालना हो तो इस तरह से 3 जोड़ा कर, उसमें 2 देखते थे, 2
इसमें तीन गो होना चाहिए, क्या एक एक संख्या तीन बार आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक आदमी घनमूल निकालते हैं, और इसका एक ही तरीका घनमूल निकालने का, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करके ही इसका घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे एक आठ घनमूल निकाल देते हैं, घनमूल जैसे 216, छोटा है लेकिन समझने के लिए, घनमूल है ये 216 का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 216 ऐसा करेंगे, 216 दो सौ का दो का दो, यहाँ पे देखो 16, दो अठे 16 तो नहीं करेंगे ना, नहीं, क्योंकि दो अंक लेना पड़ रहा है, एक अक ठो करना है, एक का करेंगे तो एक दो जीरो होगा, तब एक जाकर 16, दो अठे 16, ठीक है। हाँ, दो पच्चे 10, दो चौके 8, यहाँ देखो दो दूनी 4, दो सत्ते 14, यहाँ हो गया 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 = 9। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 216 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, यहाँ देखो तीन बार आएगा, देखो दो तीन बार आया तो यहाँ से एक बार लिखाएगा, तीन बार आया तो एक बार लिखाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था घनमूल, ऐसे घनमूल निकलता है। घनमूल में तीन ठोका देखना है, एक एक संख्या तीन बार आना चाहिए, और गुण में दो बार आना चाहिए, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, और घन और घनमूल के बस इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका जितना भी क्वेश्चन है खतरनाक क्वेश्चन करेंगे, और इसका एकदम कॉन्सेप्ट देखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, जिसमें कि बड़ा से बड़ा नंबर को बिना गुना किए वर्ग निकाल सके, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।